हरिद्वार में शनिवार को महज एक घंटे की बारिश के बाद हालात खराब हो गए। तेज बारिश के बाद खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में उफान आ गया और सूखी नदी के पास खड़ी गाड़ियां अचानक से बहकर गंगा में चली गईं और गंगा नदी में बहने लगी। आज भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये वाली गई। शनिवार को हरिद्वार में गाड़ियों के गंगा में बहने की जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने सबको हैरत में डाल दिया। सूखी नदी के रास्ते पर खड़ी हुई गाड़ियां अचानक पानी में जाने से और फिर बाद में पानी में समाती हुई नजर आई। हरिद्वार में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है। सूखी नदी में आया उफान भी शांत हो गया है। प्रशासन की ओर से भी ऐसे स्थान पर गाड़ी ना खड़ी करने को लेकर लोगों से अपील की गई है। तो इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं आज नदी शांत है, आज नदी उफान पर नहीं है। कल की तस्वीर आप देखिए जब एक घंटे की बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर आ गई और इस सैलाब में कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई। हरिद्वार में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है लेकिन शनिवार को आई मानसून की पहली बारिश ने यहां कई जगहों पर अफरा तफरी मचा दी। हरिद्वार में सूखी नदी से कई गाड़ियों के बह जाने का वीडियो ने पूरे लोगों को जो है हैरत में डाल दिया। मैं इस वक्त वहीं सूखी नदी पर मौजूद हूं और इसी जगह पर सभी गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी जहां से बारिश आने के बाद बरसाती नदी उफान पर आ गई और यहां से सभी जो गाड़ियां यहां पर मौजूद थी खड़ी हुई थी वो सब यहां से पानी में बहने लगी। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो मेरी दाहिनी ओर जो हिस्सा है उस जगह से पहाड़ों से निकल कर यहां पर पानी आया और इसी जगह पर ये सभी गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी क्योंकि यहां से थोड़ी दूरी पर शमशान घाट है और जो भी लोग शमशान घाट में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं क्योंकि ये जो बरसाती नदी है ये साल भर इसमें पानी नहीं आता है सूखी नदी में। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, यहाँ से जैसे ही पानी बहता हुआ आया ये सभी गाड़ियाँ यहाँ पर बह गई और गंगा की इस धारा में चली गई। ये जो धारा सामने गंगा की नज़र आ रही है ये धारा हर की पैड़ी की तरफ भी जाती है तो यहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि देर शाम प्रशासन ने काफ़ी मशक्क़त के बाद गाड़ियों को पानी से बाहर निकाल लिया है। कुछ दो गाड़ियां जो है वो अभी भी पानी में फंसी हुई बताई जा रही हैं। गाड़ियों के बहने की जो तस्वीरें सामने आईं उससे लोगों में कहीं ना कहीं जो है एक उहापोह की स्थिति बन गई, असमंजस की स्थिति बन गई कि हरिद्वार में किसी तरह का कोई ख़तरा तो नहीं आने जाने में। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हरिद्वार आने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सिर्फ बरसाती नदी के उफान पर आने के वजह से जो है ये गाड़ियां यहां पर बही थी और उसके अलावा किसी भी तरह के कोई भी खतरे की बात यहां पर नहीं है। लेकिन जब आप हरिद्वार आए तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप सुरक्षित स्थान पर ही अपनी गाड़ी को पार्क करें, किसी भी बरसाती नदी के आसपास गाड़ी को पार्क ना करें। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला हरिद्वार। पहाड़ों में हो रही बारिश से अब नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से गांधी घाट और ब्रह्म कपाल तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंचने लगा है। वहीं उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में भी धौली नदी और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों का जल स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस समय मैं उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में मौजूद हूं और आप देखिए किस तरीके से धीरे धीरे जो अलकनंदा नदी है और जो धौली नदी है उसका जल स्तर यहां पे बढ़ने लगा है और जो विष्णु प्रयाग का जो घाट है कुछ दिन बाद अगर तेज़ बारिश होगी तो ये पूरा ढक जाएगा और कभी कभी जो पानी है जहाँ पर आप अभी तीर्थ यात्रियों को देख रहे हैं वहाँ तक ये पानी पहुँच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ों में जो मानसून की दस्तक है वो कुछ दिन बाद तेज़ी के साथ देखी जाएगी लेकिन प्री मानसून की अच्छी बारिश के बीच कहीं ना कहीं पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम सुहावना हो गया है। रात को झमाझम बारिश हो रही है तो दिन में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी राहत बारिश से मिलती हुई दिखाई दे रही है। चारों धाम की यात्रा भी चरम पर चल रही है, हेमकुंड साहिब हो चाहे बद्रीनाथ धाम हो लगातार यात्रा चरम पर है। नितिन सेमाल न्यूज 18 बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णु प्रयाग। देहरादून में भी कल शाम को खूब बारिश हुई। अब बारिश के बाद लोगों को राहत तो जरूर मिली लेकिन कई इलाकों में जलभराव की दिक्कत हुई, कई जगह पर रोड धस गए। मॉनसून की पहली ही बारिश में स्मार्ट सिटी की सड़कें कई जगह से धस गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, गाड़ियां भी फंस गई और गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। ये तस्वीरें इंदिरा नगर की है जहाँ पर स्मार्ट सिटी के कामों के बाद सड़कों का क्या हाल है आप खुद ही देख सकते हैं।
मानसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रा में भी कमी देखने को मिल रही है। बरसात के चलते यात्रियों की संख्या में 75% की कमी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा में अब तक 9,63,000 से ज्यादा रिकॉर्ड यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 4,96,000 और यमुनोत्री में 4,67,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। वहीं बरसात के सीजन में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए डीएम उत्तरकाशी ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मौसम को देखते हुए अधिकारी यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। और जिस हिसाब से यात्रियों का इस बार अति उत्साह दिख रहा है, लगभग पिछले सालों की तुलना में 1.5 गुना यात्री हमारे रोज पहुंच रहे हैं और हम लोग उनकी आशाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और व्यवस्थित हो, ये हमारा उद्देश्य है, ये सरकार का उद्देश्य है, उसी में हम लोग इसमें लगे हैं। अगर आप भी पनीर और पनीर से बने आइटम्स के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं आप पनीर के नाम पर आप धीमा जहर तो नहीं ले रहे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में जंगल के किनारे जो मकान आपको दिख रहा है, ये नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री है जो देहरादून में रायवाला क्षेत्र के राजा जी से सटे इलाके में पिछले 6 सालों से बेधड़क चल रही है, जिस पर अब फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने करीब 2.5 लाख का नकली पनीर और नकली पनीर बनाने की सामग्री भी जब्त की है। इस फैक्ट्री से बनने वाला नकली पनीर ऋषिकेश से लगे इलाकों के साथ ही नरेंद्र नगर तक भेजा जाता है और ये फैक्ट्री हर दिन में 6 से 10 क्विंटल नकली पनीर तैयार करती है। फैक्ट्री हमें मिली है, ये पंकज नाम का व्यक्ति है जो पिछले 2016-17 से कंटिन्यू जो है पनीर का निर्माण बना रहा वहाँ पर, और ऋषिकेश और ये छिद्दर वाला इलाके में सप्लाई कर रहा था। लेकिन इसके पास मौके में जो सामान मिला है वो संदिग्ध है और संदेह के आधार पे हमने उसके 5 नमूने जांच के लिए लिए, क्योंकि हमें मौके पे जो है पाम ऑयल मिला है, एसिटिक एसिड मिला हुआ है और कई सारी जो छोटी मोटी चीजें जो कि पनीर में नहीं मिलाई जानी चाहिए वो मिले हैं। एफडीए के अधिकारियों का कहना है कि नकली पनीर बनाने के लिए फैक्ट्री मालिक अरारोट, एसिटिक एसिड और पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए बेहद ज्यादा हानिकारक है और इसे ज्यादा मात्रा में खाने से तमाम बीमारियां हो जाती हैं, यहां तक कि दिल को भी दिक्कत हो सकती है। पहले भी नकली पनीर और नकली मावे पर कई जगहों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी देहरादून में अफसरों की नाक के नीचे 6 साल से नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री आखिर चल कैसे रही थी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। दिल्ली दौरे से देहरादून लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को 170 अभ्यर्थियों को सीएम आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें सिंचाई, लोक निर्माण विभाग समेत 11 विभागों के 165 असिस्टेंट इंजीनियर और ऑडिट विभाग के 5 जूनियर असिस्टेंट शामिल थे। सीएम ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है वो समर्पण भाव से जनसेवा करें। सीएम ने कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य सरकार 14,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र उन्होंने दिया है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी प्रतिभा है, उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सफल हो जाएगा। आपके कामों से न केवल हमारी जो ये वर्तमान पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ लेंगी, इससे लाभान्वित होंगी और किसी भी विभाग में जो सहायक अभियंता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच सेतु का काम करता है। उत्तरकाशी का गौमुख तपोवन
ट्रैक ट्रैकर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। इस ट्रैक को मध्यम श्रेणी का दर्जा दिया गया है और इसलिए से यहां पर ट्रैकर्स के साथ साथ सैलानी भी यहां पर आते हैं। भागीरथी मैया की भागीरथी वंदे वंदे। गोमुख तपोवन ट्रैक का दीदार करने बड़ी संख्या में हर साल सैलानी पहुंचते हैं। इस ट्रैक पर देहरादून का 21 सदस्यीय दल गोमुख तपोवन की ट्रैकिंग करके लौटा है। इस दल ने 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तपोवन क्षेत्र में योग भी किया, साथ ही तपोवन क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलाया। अपना ये ट्रैक गंगोत्री से स्टार्ट किया था, गंगोत्री से चीड़बासा, चीड़बासा से भोजबासा, भोजबासा से तपोवन, नाउ वी आर गोइंग टू कमिंग बैक। So during this track, we have find lot of facilitation by the Himalayan hikers. बस तकरीबन गंगोत्री से 15 किलोमीटर अप्रॉक्स रहता है और फिर उसके बाद हम अगली सुबह गए हैं तपोवन के लिए और जहां हमने ट्रॉली से नदी गंगा नदी जो पार की है उसका तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा था, ऑसम था, हम कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में। गोमुख ट्रैक पर ट्रैकर गंगोत्री ग्लेशियर से होकर गुजरते हैं, इसलिए ये ट्रैक रोमांच के लिए शानदार माना जाता है। यहाँ की सुंदरता सैलानियों के मन को मोह लेती है। 3 महीने पहले मैं केदारकंठा गई तो इस बार मैंने गोमुख और तपोवन वाला ट्रैक किया और ये बेहद ही बहुत ही खूबसूरत एक ट्रैक है और कभी भी कोई इंसान हिमालय की गोद में आ नहीं सकता। इतना खूबसूरत वातावरण, इतनी शांति, मुझे लगता है अब कभी भी मुझे अगर छुट्टी चाहिए तो शायद मैं बार बार उत्तराखंड आऊँगी। तपोवन से जो दृश्य है हिमालय के, आपके मेरू पर्वत है, शिवलिंग है, देवी शिवलिंग है और भागीरथी जो खूबसूरती है उसके सभी पर्यटकों द्वारा दीदार किए गए और वहाँ पर पूरे अभियान के द्वारा एक स्वच्छ अभियान भी चलाया गया और फिर अब ये बहुत ही खूबसूरत घाटी है। गोमुख तपोवन ट्रैक से माउंट शिवलिंग की खूबसूरत पहाड़ियां दिखती हैं। इसके साथ ही प्रकृति के सुंदर नजारे बार बार सैलानियों को यहां आने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। मसूरी से लगे जौनपुर इलाके में अगलाड नदी में मौन मेला मनाया गया और मानसून की शुरुआत के साथ हर साल इलाके में लोग नदी में उतरकर मछली पकड़ते हैं और करीब 4 किलोमीटर के एरिया में मछली पकड़ी जाती है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग नदी की धारा में पहुंचते हैं और वहां पर तिमूर की छाल से बना पाउडर डाला जाता है। इस पाउडर से कुछ देर के लिए मछलियाँ बेहोश हो जाती हैं जिसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है और इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ लोक नृत्य भी होता है। इस मेले में सैकड़ों मछलियां पकड़ी जाती हैं जिन्हें लोग प्रसाद के रूप में घर लेकर जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेले का उद्देश्य नदी की सफाई करना होता है। राजमौन है, इसको राजमौन बोलते हैं, अगलाड़ नदी में मनाते हैं इसको और इसमें लाखों की संख्या में जौनपुर, जौनसार, करीब 4 ब्लॉक के 3 जिलों के लोग आते हैं और ये सदियों से चली आ रही परंपरा। राजा के समय पर जब राजा खुद यहाँ आते थे, जो टीरी रियास के थे, जो राजा थे वो खुद यहाँ आते थे और यहाँ पर उनके नेतृत्व में मछली पकड़ने का काम करते थे। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने के बाद भी बीजेपी मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में सहमी हुई नजर आ रही है। चुनाव बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी चल रहा है लेकिन मंगलौर सीट उसके लिए खासी चुनौती बनी हुई है, इसलिए यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुन चुनकर स्टार प्रचारक उतरवाने के अलावा खास रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव के लिए 8 जुलाई को प्रचार थम जाएगा। अब मंगलौर सीट खासी चर्चाओं में है। इस सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी बीएसपी का कब्जा रहा है लेकिन मुस्लिम, गुज्जर, जाट और एससी मतदाताओं वाली सीट को बीजेपी कभी नहीं जीत पाई, लिहाजा इस बार खास रणनीति अपनाते हुए बीजेपी ने हरियाणा से गुज्जर नेता और पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को मंगलौर लाकर मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर होने के कारण बीजेपी अभी भी टेंशन में है। बीजेपी की एक उम्मीद बीएसपी और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से बनने वाले त्रिकोणीय मुकाबले से भी है। लेकिन लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखे तो बीएसपी को इस सीट पर सिर्फ 5,000 वोट मिले जबकि कांग्रेस 44,000 वोट के साथ सबसे आगे रही। पिछली बार की तुलना में मजबूत प्रत्याशी उतारा है
करतार सिंह भड़ाना दो बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं, उनका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है और सामाजिक कार्य करने का भी उनका अनुभव है। एक मजबूत नेता है, कद्दावर नेता है, तो उनके प्रत्याशी बनने के बाद वहां का चुनाव त्रिकोणीय हुआ है। बीजेपी अब जाट गुज्जर वोटर की गोलबंदी में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी 5 जुलाई को बतौर स्टार प्रचारक राष्ट्रीय लोकदल के जाट नेता जयंत चौधरी को मंगलौर में उतार रही है। सीएम धामी भी 5 जुलाई को यहां मौजूद रहेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को भी मंगलौर बुलाया गया है। तो इधर कांग्रेस गुज्जर नेता सचिन पायलट और सांसद इमरान मसूद को बतौर स्टार प्रचारक मंगलौर में ला रही है। त्रिकोणीय मुकाबले पर कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। वो चुनाव जीतने के लिए बाहर से प्रत्याशी लाने के साथ ही कुछ भी कर सकती है। रूप से देखिए, बीजेपी का एक षड्यंत्र भी हो सकता है, जिनको वोट कटवा राजनीति कराने का पुराना बीजेपी के पास तजुर्बा भी है। और जिस तरीके से बीजेपी हतोत्साहित है, बीजेपी को समर्थन नहीं मिल रहा है, उनका जो बाहरी उम्मीदवार है, जो वहां पर एक बाहरी का नारा भी चल रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं कि बिहार का आदमी अंदर का आदमी, तो उसमें भी अंतर आ रहा है। इसमें बीजेपी घबराहट में वो कुछ भी करेगी सत्ता का। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने गढ़वाल मंडल के अपने सभी नेताओं को झोंका हुआ है, लेकिन मंगलौर सीट पर वो खासी सतर्कता बरत रही है। उसे डर है कि अगर चुनाव बीजेपी की मंशा के मुताबिक त्रिकोणीय हुआ तो नतीजा कांग्रेस के खिलाफ भी जा सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में सहसपुर के शंकरपुर में नदी भूमि को पाट कर प्लॉटिंग की जा रही है। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद यहां पर दो दो जेसीबी लगाकर खुलेआम अतिक्रमण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले बात करते हैं देहरादून की, जहां पर नगर निगम कर्मचारियों के नाम पर बड़ा घपला सामने आया है। अब जांच में इसकी पुष्टि हो गई है। असल में बिना कर्मचारियों की नियुक्ति के ही वेतन निकाल लिया गया। इसकी जांच स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी गई थी और अब जांच में धांधली की पुष्टि हुई। हालांकि कुछ जगहों पर नगर आयुक्त ने डिटेल रिपोर्ट मांगी और अगले एक हफ्ते में डिटेल रिपोर्ट को देने के लिए कहा है। अंतरिम आख्या हेल्थ सेक्शन के द्वारा भेजी गई थी, उसमें कुछ तथ्य पूरे नहीं थे जिनके बिना जांच को निष्कर्ष पर पहुंचाना या कोई निर्णय लेना संभव नहीं था। इसके लिए हेल्थ सेक्शन को फिर से निर्देशित किया गया कि पूर्ण तथ्यों के साथ और पूर्ण डॉक्यूमेंट्स के साथ पुनः रिपोर्ट को प्रेषित करें।